नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आज दो पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अंबेडकर नगर प्रशासन मुस्तैद रहा। बता दें कि गहन तलाशी के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। 39 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और कल भी दो पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की 3 से 5 बजे तक हो रही है। प्रत्येक पाली में 20,736 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और 41,472 परीक्षार्थी भी परीक्षा में शामिल होंगे। 18 फरवरी को भी 41,472 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कुल 82,944 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। CCTV की निगरानी में परीक्षा हो रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर भी चुनौती दी गई है। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां पुलिस आरक्षी परीक्षा में नकल कराने का झांसा देकर पैसा वसूलने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को परीक्षा के पूर्व आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 14 लाख रुपए का चेक, 7,360 रुपए नकदी व 6 फर्जी आधार कार्ड, 10 अदद मोबाइल, स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद कर लिया। आपको बता दें तो SO वीरेंद्र कुमार सिंह थाना गंदरापुर की टीम एवं निरीक्षक नंद कुमार तिवारी व स्वाट टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा में नकल कराए जाने का झांसा देकर पैसा वसूलने वाले गिरोह नकल कराने से पूर्व ही शहदा से चक बिजली ग्राम जाने वाले रास्ते पर 7 अभियुक्तों में संजय यादव पुत्र स्वर्गीय रामराज यादव निवासी कुंभमठिया थाना बरदा जनपद आजमगढ़, रोहित गुमा पुत्र भरतलाल गुमा निवासी वार्ड नंबर 2 अंबेडकर नगर कसवा थाना में नगर जनपद आजमगढ़, हरिवंश यादव पुत्र सुखई यादव निवासी दिवाकरपुर थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, भीम यादव पुत्र मोती यादव निवासी खनिखरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, कैलाश यादव पुत्र श्यामजीत यादव निवासी ग्राम जैतीपुर थाना बरदा जनपद आजमगढ़, राजेश तिवारी पुत्र सभागर तिवारी निवासी ग्राम जियासर थाना मेनगर जनपद आजमगढ़, पवन कुमार सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम भगेही थाना रामपुर जिला जौनपुर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3,600 रुपया, कुल 14 लाख रुपए के 2 चेक, आज के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित 9 एडमिट कार्ड, 6 फर्जी आधार कार्ड, 10 मोबाइल व 1 स्कॉर्पियो वाहन को पुलिस ने बरामद किया है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खंडरापुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आपको बता दें तो पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया है कि सरकारों द्वारा सरकारी नौकरी में की जाने वाली भर्ती के दौरान हम लोग परीक्षार्थियों से अपने स्रोत से गोपनीय रूप से संपर्क कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफल कराने का झांसा देकर उनसे लाखों की रकम नकद व चेक के माध्यम से वसूलते हैं तथा एडमिट कार्ड की कमी व्हाट्सएप से मंगा लेते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए हम लोग फर्जी आधार कार्ड रखते हैं ताकि किसी को पता न चले तथा परीक्षा के दिन ही परीक्षा केंद्रों के समीप जाकर परीक्षार्थियों को फ़ोन या हार्ड कॉपी के माध्यम से आंसर की उपलब्ध कराकर उनके द्वारा दिया गया पैसा ऐंठ लेते हैं। हम लोगों द्वारा कई बार सोशल मीडिया पर वायरल आंसर की को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। आज भी यही प्लान था लेकिन हम लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। में कई परीक्षा केंद्रों से गलत परीक्षा देते हुए लोग पकड़े भी गए हैं और भी कई तरह के खुलासे थे। क्या प्रकरण है सरी पूरा? कंदरापुर थाने की टीम और स्वाट टीम के द्वारा आज सुबह 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा जो कि आज 2 पालियों में सुबह और शाम को आयोजित थी, इसमें इस गैंग के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं कैंडिडेट्स हैं उनको बेला फुसलाकर और उनको ये झांसा देकर ये उनको एग्ज़ाम में पास करा देंगे, उनको पेपर पहले से उपलब्ध करा देंगे या आंसर की पहले से उपलब्ध करा देंगे, इसके नाम पर उनसे पैसे ऐड कर उनसे चेक लेकर पूरा एक गैंग संचालित कर रहे थे। इन 7 लोगों को गिरफ्तार जो किया गया है, इनके नाम है संजय यादव, ये ग्राम प्रधान का रिश्तेदार है जो थाना बरदा कुंभमठिया का रहने वाला है, रोहित गुप्ता ये थाना मैनगर का रहने वाला है, पेंट की दुकान चलाता है, हरिवंश यादव और भीम यादव ये जनपद जौनपुर और थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं, कोयला व्यवसायी हैं, कैलाश यादव ये पूर्व प्रधान है ग्राम जैतीपुर थाना बरदा का, राजेश तिवारी ग्राम जियासर थाना मेनगर का, ये फ्रॉड है जो अपने आप को कई पदों पर बताते हुए अलग अलग अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनसे काम कराने की भी चेष्टा रखता है,
पवन कुमार सिंह, ग्राम बगेही, थाना रामपुर, जिला जौनपुर। ये इसने अपने आप को अधिवक्ता होना बताया है। ये 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन 7 के पास से 2 चेक बरामद हुए हैं, 7-7 लाख के। कुल 14 लाख के 2 चेक बरामद हुए हैं। 9 प्रवेश पत्र बरामद हुए हैं जो उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती से संबंधित हैं, जो आज एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित 9 एडमिट कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं। ये संभवतः उन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड हैं जिनको इन्होंने जिनसे पैसा लिया था और ये वायदा किया था कि उनको आंसर की उपलब्ध कराएंगे। 10 मोबाइल फ़ोन, 6 आधार कार्ड भी फर्जी इनके पास से बरामद हुए हैं। फर्जी आधार कार्ड रखने का कारण इन्होंने बताया कि अगर कहीं कोई पकड़े, पूछा जाए सेंटर के आसपास, अगर इनसे पूछताछ होती तो ये अपना फर्जी आधार कार्ड दिखाते जिससे इनको ट्रेस ना किया जाता। इसके साथ साथ एक स्कॉर्पियो UP 32LK 1333 इनसे बरामद हुई है, काले रंग की स्कॉर्पियो जिस पर ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ी हुई है, ये स्कॉर्पियो भी इनसे बरामद हुई है। इनके मोबाइल जो जब्त किए गए हैं उनको विस्तृत रूप से छानबीन की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने यही बताया है कि ये अभ्यर्थियों को टारगेट करके उनसे पैसा वसूलते थे चेक और कैश के माध्यम से, और उनको या तो सोशल मीडिया पे जो वायरल आंसर की है उसको, या फिर एक फर्जी आंसर की अपने पास से तैयार करा के उनको उपलब्ध कराने की का इन्होंने वायदा किया था। आज परीक्षा से पहले ही ये पकड़े गए, इनके द्वारा एग्ज़ाम सेंटर्स के आसपास जाके इन अभ्यर्थियों की मदद की जानी थी। विस्तृत पूछताछ इनसे की जा रही है, एक विस्तृत टीम लगाई गई है ASP CEO सदर के नेतृत्व में जो इनसे पूछताछ कर रही है। इनके गैंग में कुछ और भी लोगों के होने की संभावना है जिनको अतिशीघ्र हम लोग ट्रेस करके गिरफ्तार करेंगे और इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभ्यर्थियों से कितने की वसूली की जाती है? टोटल 14 लाख के इनके पास से हम लोगों को चेक मिले हैं। अभी इनके और कुछ ठिकानों पर पुलिस की दबिश जानी बाकी है, जहाँ पर हम लोग ये ट्रेस करेंगे कि कितना कैश इनके पास रखा हुआ है, और भी जो इनके साथी हैं, इनके परिवारजन हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी उनके पास भी क्या कैश रखा गया है। जो इन्होंने पूछताछ में बताया वो ये है कि 3-4 लाख रुपए पर अभ्यर्थी ये लेते थे, और क्योंकि इनके पास 9 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं तो ये संभावना है कि और भी चेक या कैश इनका होगा जो भी पुलिस को बरामद करना है। सर, जिन जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे उनसे इन लोगों का लिंक क्या था, कोई रिलेशनशिप था या किस तरीके से वो उन्हें लाइनअप किए थे? ये किसी ना किसी माध्यम से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी के सभी या तो व्यवसायी हैं या एक इनमें अधिवक्ता है या कुछ ग्राम प्रधान के परिवार से रिलेटेड है, एक स्वयं पूर्व ग्राम प्रधान है, तो ये जनरली लोगों के संपर्क में है। गांव देहात के ऐसे लड़के जो एग्ज़ाम देते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, और उनमें से जो टारगेट होने लायक हैं, जो इस तरीके के हैं, जो चाहते हैं कि कुछ गलत करके उनको एग्ज़ाम पास करा दिया जाए, उनको टारगेट करके उनको धीरे धीरे अपने जाल में फंसा के उनसे पैसा एडवांस में हटते हैं ताकि उनको ये भरोसा दें कि हम मदद करेंगे, गलत तरीके से तुम्हें आंसर की प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम पास करने में मदद करेंगे। तो ऐसे लड़कों को इनके द्वारा टारगेट किया गया है। जो 9 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं उनके संबंध में भी आज हम जांच करा रहे हैं कि ये किस किस लड़कों के हैं, कौन कौन अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा एग्ज़ाम दिया गया है नहीं दिया गया, और ये कौन 9 लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आज होने वाली परीक्षा में सर क्या इसका कोई असर रहा है, इन लोगों का? नहीं, ये जो हमारी SOG टीम और थाना कंदरापुर की टीम की अलर्टनेस की वजह से ये जो इनके मंसूबे थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए, और उससे पहले ही पकड़ लिए गए, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही पकड़ लिए गए। और आज का जो एग्ज़ाम है जनपद आजमगढ़ में, लगभग 68 हमारे टोटल सेंटर्स हैं, लगभग 32,000 लोग बैठ रहे थे एक पाली में, तो लगभग 60-65,000 लोगों ने आज ये एग्ज़ाम दिया है, और पूरे अच्छे साफ सुथरे तरीके से, किसी भी सेंटर पे कोई प्रतिकूल बात प्रकाश में नहीं आई, बहुत अच्छे तरीके से। सर, इन लोगों में किसी का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक सामने आया है? इसका हम लोग अभी पता कर रहे हैं, आपराधिक इतिहास DCRB से मंगाया जा रहा है, और जो भी आपराधिक इतिहास होगा वो तो है ही। उसके साथ साथ ये जो इनका गैंग है तो ये विशुद्ध रूप से स्थापित हुआ है कि ये गैंग के रूप में काम कर रहे हैं, तो गैंगस्टर और 14 के अंतर्गत इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त कराने की कार्रवाई 100% हम लोग इंश्योर करें। ये सभी अभियुक्त जो सर एक दूसरे से इन्वॉल्व थे, एक दूसरे से मिले हुए हैं? हाँ, ये एक दूसरे के संपर्क में थे, एक ही साथ गिरफ्तार किए गए हैं सभी के सभी। ये आज सुबह जब स्कॉर्पियो से गिरफ्तार किए गए हैं तो इसी काम को अंजाम देने के लिए यहाँ आए हुए थे। आप देख रहे हैं जनपद में अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये सब इकट्ठा हुए थे इसी घटना को अंजाम देने के लिए। उसी दौरान उखिर की तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां सुगड़ी तहसील क्षेत्र के जियनपुर कोतवाली के मनिकारी बाजार में स्थित ताज ज्वेलर्स एवं साड़ी सेंटर की दुकान का शटर तोड़कर चोर शुक्रवार की रात में लाखों रुपए के गहने और 10 लाख रुपए नकद चुरा ले गए। चोरों ने दुकान में लगे CCTV कैमरे को भी तोड़ दिया और DVR भी उठा ले गए। मकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जियनपुर कोतवाली के मनिकाडी बाजार स्थित तेज प्रताप राय के मकान में नत्थुपुर गांव निवासी
भारत भूषण उर्फ सोनू सेठ की ताज ज्वेलर्स एवं साड़ी सेंटर की दुकान है। शुक्रवार को सोनू सेठ अपनी दुकान बंद करके घर चले आए थे। रात में चोरों ने दुकान में लगे शटर को रॉड से तोड़ दिया। दुकान के अंदर घुसे चोरों ने तिजोरी को लाकर को तोड़ दिया। सर्राफा व्यवसाय सोनू सेठ ने बताया है कि तिजोरी में रखा 10 लाख रुपए, 200 ग्राम सोने के आभूषण और 500 ग्राम चांदी के आभूषण चोर चुरा ले गए। चोरों ने दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया है और डीबीआर भी उठा ले गए हैं। जयपुर कोतवाली में तहरीर के माध्यम से सोनू सेठ ने बताया है कि मेरी दुकान के पीछे रहने वाले श्रीनाथ प्रजापति ने मकान मालिक को फोन कर चोरी की जानकारी दी। मकान मालिक तेज प्रताप राय ने मुझे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। जनपद पुलिस ने घटनास्थल का जांच पड़ताल किया और जांच में जुट गई। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक जैनपुर विवेक पांडे ने बताया है कि दुकान में 10 लाख की नकदी और इतनी मात्रा में आभूषण का होना संदिग्ध प्रतीत होता है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की गश्ती पर सवाल उठाया है। मेरा नाम सोनू सेठ है। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ, ये कहाँ पे आपकी दुकान है? मनकाड़ी बाजार में दुकान हमारी है। पैसा था, सोना चांदी सामान था सब। लगभग कितने का सोना था आपका? सोना था 12-13 लाख का। और कैश भी कुछ था? कैश भी था। कितना कैश था? अरे 10 लाख कैश रखे थे, आज कस्टमर को देना था। अच्छा, चांदी 5 किलो लमसम चांदी थी। चीयर बराबर चोरी हो रही है, हर 2-3 महीने किसी न किसी को होता रहता है मनकाड़ी में, कोई खुलासा नहीं हुआ। अभी आगे किराने की दुकान है, उसकी 5 बार चोरी हो गई। फिर बगल में ज्वेलर्स की दुकान है, उसकी भी चोरी हुई है। मेडिकल हाल के 3 महीना पहले वहाँ भी चोरी हुई है। लेकिन लकड़ी उकड़ी चोरी की, तो कुरई बल्ली चोरी, मतलब कुछ भी पा रहे उठा के लेके चला। यहाँ पे कोतवाल साहब आए थे, क्या बोले? दरोगा साहब आए थे, क्या बोले दरोगा साहब? बोले लिख के ले गए, कहे कि ठीक है, देखिए अब कह के तो गए हैं, कार्रवाई होगी। ठीक। पुलिस विभाग में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा से पहले स्पेशल टास्क फोर्स के साथ ही सभी जिलों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा निर्धारित तिथि 17 और 18 फरवरी को सभी जिलों में 2 पालियों में हो रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में 2385 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए कुल 48,17,441 अभ्यर्थियों में 15,48,969 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। आज आजमगढ़ जनपद में भी दूर दूर से आए अभ्यर्थियों को बाकायदा चेक करने के बाद प्रवेश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। जनपद में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आजमगढ़ के तैबरपुर थाना क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां कुछ दिन पहले सरसों के खेत में राम प्रकाश यादव नामक एक व्यक्ति का शव मिला था। इस मामले में आज पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि राम प्रकाश यादव एक चरित्रहीन व्यक्ति था, उसका एक गांव में आना जाना था और इसी बात से लोग उससे खुन्नस रखते थे। गांव के लोगों ने भी कहा है कि उसका जो भाव था, जो उसकी आदतें थी, वो कुछ खास नहीं थी और इसी वजह से उस गांव के लोग उस व्यक्ति से ज्यादा परेशान थे। एक घर के एक लड़की जिसका नाम राहुल कुमार बताया जा रहा है, उसने अपनी बहन के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। उसका कहना था कि जो आरोपी था वो बार बार हमारे घर आता था, उसका मेरे घर आना जाना पसंद नहीं था। मैंने उसको कई बार मना किया था लेकिन वो मान नहीं रहा था और इस बात से मैं बहुत गुस्से में था और अपने को अपमानित महसूस कर रहा था। इस मामले में क्षुब्ध होकर मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर उसको रास्ते से हटाने की योजना बनाई और योजना अनुसार 13 फरवरी की दोपहर में उसे धोखे से उसे एक खेत में बुलाया गया, सरसों खेत में बुलाया और पीछे से जाकर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने जानकारी दी है, सुनिए। 13 फरवरी 2024 को ग्राम चिरावल थाना तहबरपुर में एक अज्ञात शव की लाश, एक अज्ञात शव की प्राप्ति हुई थी, जिस पर मौके पर तुरंत तत्काल पुलिस ने पहुंची और पुलिस ने मृतक को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा। ये पोस्टमार्टम की जो मृत्यु कारण था वो सिर में चोटी, सिर में गोली लगने के कारण और चोट के कारण पाया गया, जिस पर 2 टीमों का गठन पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई कि जो मृतक है उसका चाल चलन ठीक नहीं था गाँव में और लोग भी उसको आने जाने से मना करते थे घर में। जो इसका अभियुक्त है वो आपस में भाई बहन लगते हैं, इनके यहाँ भी उसका आने जाना था, जिस संबंध में इन लोगों ने मना भी किया था उसको कि आप मत आइए, पर मृतक नहीं माना, जिसके परेशान होकर
मृतक अभियुक्त ने और अपनी बहन ने दोनों ने मिलकर इसके मारने की योजना बनाई, जिसमें इन्होंने इसको राजेंद्र यादव पास में एक खेत है उसके खेत में बुलाया झांसा देकर और उसी में उसको पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी। इन दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त करके इनको जेल भेजा जा रहा है। एक खबर आजमगढ़ से, जहां वेदांता इंटरनेशनल स्कूल पर वर्किंग विज्ञान मॉडल का प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शुभम अग्रवाल आईपीएस अपर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, विशेष अतिथि नरेंद्र गंगवार उपजिलाधिकारी सगड़ी तथा राजकुमार बैठा न्यायिक मजिस्ट्रेट सगड़ी थे। इस अवसर पर तिलक आरती व पुष्प वर्षा से छात्र छात्राओं द्वारा अतिथिगण का स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल तक एजाज अहमद के नेतृत्व में टीम परेड करते हुए ले गई। तत्पश्चात फीता काटकर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व आरती के द्वारा कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। वही मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने एक एक करके सभी मॉडलों का निरीक्षण कर प्रश्नोत्तरी किया, जिससे अतिथिगण काफी संतुष्ट और प्रसन्नचित हुए। वहीं मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र छात्राएं कड़ी मेहनत कर अपने भविष्य को संवारे, मैं स्वयं कड़ी मेहनत करने के बाद यहां तक पहुंचा हूं। उन्होंने स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए प्रदर्शनी की काफी सराहना की। कक्षा 11 की अर्पिता, कक्षा 9 सुजल यादव, कक्षा 8 के राम रतन, कक्षा 7 की रिश्मा खान, कक्षा 6 के राफे, कक्षा 5 के सौरभ सिंह, कक्षा 4 के तनिष्का वर्मा, कक्षा 3 के अमर खान, कक्षा 2 के अनुश्री सिंह, कक्षा 1 के शौर्य कुमार सहित सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य जुबैर हसन ने विद्यालय के बच्चों के बारे में अतिथियों को अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन सुनील तिवारी ने किया। इस अवसर पर सुनील त्रिपाठी, प्रद्युम्न विश्वकर्मा, शिवाजी सिंह, अजय श्रीवास्तव, इंजीनियर इंद्रजीत साहनी, अनीता सिंह, रीना यादव, एस के शुक्ला, आलोक यादव, सुविधा सईद, रमन यादव आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक निदेशक शिव गोविंद सिंह ने अतिथिगण को अंग वस्त्रम एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा आए हुए अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। खबर है सुनारी सुनार नगर सेना के सौजन्य से 25 फरवरी 2024 को सुनार संत श्रोमणी नरिदास जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर अमर लॉन नटिया नियादाई मंदिर के सामने पानी टंकी के बगल में सिंधोरा और वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु सुनार नगर सेना चंदबक बाजार थाड़ी नेवादा बाजार तानगंज बाजार में किया गया। लोगों ने बड़े उत्साह से महानगर अध्यक्ष महिला मंच वाराणसी सोनी सेठ, सतीश सेठ, भोला सेठ उनकी टीम ने बाजारों में आमंत्रण पत्र देकर उनसे उन्हें विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि आप सभी लोग इस सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित होकर दर्ज कराकर एकता की एक मिसाल पेश करें और कार्यक्रम में दलबल के साथ उपस्थित भी दर्ज कराएं। इस सुनार समाज के संदेश जन जन तक पहुंचे।
आजमगढ़ की पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची पीड़िता रानी पत्नी जयप्रकाश ग्राम निजामुद्दीनपुर पोस्ट गंभीर वन थाना सुधारी ने अपने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरी जमीन पर 30 वर्षों से हैंडपाइप मशीन लगा हुआ है जो मेरी पड़ोसी नियुक्त पुत्र रामलाल लक्ष्मण पत्नी वीरेंद्र राजेंद्र रामलाल पुत्र राजेंद्र गौरी पत्नी राजेंद्र आरती पुत्री राजेंद्र गीता पुत्री वीरेंद्र चंचल पुत्री वीरेंद्र ने मेरी हैंड पाइप के पानी को मिट्टी से पाट कर बंद कर दिया है जबकि नाली पुस्तैनी है। इन लोगों द्वारा मिलकर गाली गलौज और मारपीट झगड़ा कर धमकी दिया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मांग किया है कि मेरी हैंडपाइप मशीन का पानी जो रोक दिया गया है वो और पानी की निकास के लिए नाली मिट्टी घूर से पाट दिया गया है उसे खुलवाते हुए समस्याओं का निदान की जाने की पुलिस अधीक्षक से मांग की है। क्या कुछ कहा है पीड़िता रानी ने सुनी। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? थाना सुधारी। अच्छा क्या मामला है, क्या गैप यहाँ पे ये नारी हमारे लोग ना बहे थे पड़ोसी में। के है नाम बताओ उनको। मतलब मुखिया ने बुला लगा उनका पतो गौरी उनका पोती रही आरती उनका एक पतो यहीं मतलब लक्ष्मीना उनका एक पोती यहीं गीता और चंचल और उनके आदमी का नाम वीरेंद्र ये सब मिल के मारे की दौलत हम लोग झगड़ा कर रहा था। अच्छा इसकी शिकायत आपने अपने थाने पर की थी? जी। तो क्या कहें? जी लोग नहीं सुनवाई कर रहे हैं सिर्फ पैसा है कि उठा रहे हैं। आज यहाँ पर आई हैं आप क्या चाहते हैं? हमके साहब मतलब हमारी नारी बैठ चाहिए या मशीन ना खरीद चाहिए बस हमें।